अब तक आपने देखा देवांग विद्या को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। दाई माँ की मदद से विद्या बेटे को जन्म देती है। मुबारक हो, बेटा हुआ है। विद्या, वो बच्चा रो क्यों नहीं रहा? लेकिन बच्चा मर जाता है। मगर दाई माँ अपने तंत्र से बच्चे को दोबारा जीवित कर देती है। हमारा बेटा जिंदा है। अब आगे बापूजी, ये लीजिए आपका पोता। मेरा पोता बाद में, पहले हमारे परिवार का कुलदीपक। मेरा कुलदीपक। थैंक यू बेटा। देवा जी, एक बात कहूं? हाँ बोलिए ना बापूजी। सुनने में तुझे बुरा लगेगा, पर जब तू पैदा हुआ था उससे ज्यादा खुशी मुझे इसके पैदा होने की है। मुझे भी। आज बरसों बाद मुझे कोई दादाजी कहने वाला आ गया। बापूजी, अभी उसे एक साल लगेगा दादाजी बोलने में। अल्पेश, तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अल्पेश जा, तू घर जा और बाकी सब तैयारी कर, जा। बापूजी पर जा घर, बोला ना। देवांग बेटा, सॉरी, मैंने विद्या को हॉस्पिटल भेजने में जरा बा, अब सब ठीक हो गया ना, तो फिर पुरानी बातें क्यों सोचना? सब ठीक है। हाँ लाइए बच्चा, हमें दीजिए थोड़ी देर के लिए, रूटीन चेकअप करना है, इसके बाद आप लोग आराम से खेलेगा बच्चे के साथ, दीजिए। अरे आप हो ने? संभल के संभल के। ओले ओले ओले। बापूजी, आज अगर मेरा बेटा जिंदा है तो इन्हीं की वजह से। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एक मिनट के लिए तो मुझे लगा था कि मैंने अपने बेटे को खो दिया। मेरी जिंदगी में खुशियां वापस लेकर ये आई हैं। हम आपके ऋणी हो गए और हमारा बेटा आपका कर्जदार। मैं अभी आई। Yeah.
पहुंच गया तू? हाँ बापूजी, कब का पहुंच गया? नहा के तैयार भी हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ वो सब ध्यान से लिख। भव्य स्वागत होना चाहिए हमारे कुलदीपक का। जी बापूजी। हर रिश्तेदार को, हर जान पहचान वाले को खुशखबरी देते वक्त पेड़े के साथ साथ अम्बे माँ का छोटा सा पेंडेंट भी जाएगा। इतना अरेंज कर, बाकी घर आके बताता हूँ। ओके बापूजी। मालूम अभी बापूजी क्या है? चकुड़ी, बुरा लगा क्या? अरे विद्या ने इस घर को कुलदीपक दिया है, इसीलिए बापूजी को हरक थोड़ा ज्यादा है। तुम प्लीज बुरा मत मानो ना। नहीं जानू, मुझे बच्चे बच्चे के झंझट में नहीं पड़ना है, और वैसे माँ बनने के बाद फिगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना। और जानू, हमारा रोमांस भी तो स्पॉइल हो जाएगा ना। एकदम साची बात है। और वैसे भी टिप टॉप बने रहो ना तो सोसाइटी में मान भी बना रहता है। मैं आज भी मिस चंडीगढ़ लगती हूँ सचमुच। तुमने परसों नोटिस नहीं किया? शू? परसों पार्टी में सारे मर्दों की आंखें मुझसे और जबान से अपने बीवियों को कह रही थी कि फिगर हो तो शनाया जैसा। एकदम साची बात छे। तो जानू, हम फिर कभी भी बच्चा नहीं करेंगे, है ना? क्या हुआ जानू, एकदम सच्ची बात छे नहीं बोलोगे? अरे वो थोड़ा काम बाकी था। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हें भी बच्चा चाहिए? नो सोना, मुझे बस तुम चाहिए। टच वुड। माय क्यूटू बेबी, आई लव यू। लव यू। तुम ना बस मेरा ऐसे ही साथ देते रहना, ओके? और वो बच्चे बच्चे पैदा करने का काम वो तुम विद्या पर छोड़। ये लीजिए, संभालिए अपने बच्चे को, इसे अपने पास ही रखिए। अरे पर आपने तो कहा था कि बेबी आपके ऑब्जर्वेशन में रहेगा, तो फिर? अरे नहीं, इसे इसके माँ के पास ही रहने दो। मैं कई सालों से बच्चे देखती आ रही हूँ, ऐसा बच्चा मैंने पहली बार देखा है। और हाँ, इसे संभाल के रखना, आप सब पे भारी पड़ने वाला है ये बच्चा। अरे अभी अभी तो आया है, इतना क्या सता दिया तुम्हें? अरे मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है तभी तो बोल रही हूँ। हो सकता है इसे हमारा हॉस्पिटल पसंद आया हो, या फिर ये आप सबके बीच में रहना चाहता हो। मतलब मेरे इस छोटे से शेर ने तुम्हें डरा दिया? अरे ये तो शेर है शेर, तभी तो जंगल में पैदा हुआ है, हॉस्पिटल में नहीं। ये बात तो है। छोटे से शेर ओले। चलिए हम निकलते हैं। अरे अभी तो आया है, थोड़ी देर खेलने दो मुझे। खेलने के दिन इनके हमारे नहीं। चलिए एक मिनट मंजुला। चिराग, चिराग है तू हमारे परिवार का। ये लो, बापूजी ने तो नाम भी रख दिया चिराग। आ गया है वो जन्म लेकर, चिराग, चिराग नाम रखा है उसका। चिराग जो रोशनी देता है, चिराग जो आग लगाता है। चिराग, चिराग देवांग पुरोहित। अरे संभाल कर, चिल्ला क्यों रही हो? तो न्यूबॉर्न बेबी को ऐसे पकड़ते है? तो कैसे पकड़ते? बताती हाँ। इससे ना हाथ दीजिए।
ऐसे न्यूबॉर्न बेबी को ना ऐसे पकड़ते हैं पीछे से उसके गर्दन को सपोर्ट करके। शेर को कभी किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, ये तो मेरा छोटा सा शेर है, वैसे स्मार्ट लगता है। हाँ हाँ बाप पे जो गया है। बिल्कुल नहीं। वैसे तुम सही कह रही हो, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी आंखों पे गई हैं। गाल देखो गाल, बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगते हैं। ओ तारी, ये तो चीटिंग है, तू पूरा वहां पे गया है। उसमें चीटिंग क्या है? मजाक कर रहा हूँ, मैं तो खुद बहुत खुश हूँ कि ये अपनी माँ पर गया है। अपनी माँ जैसा सुंदर जो बनेगा। वैसे बब्बू थैंक यू, जिंदगी तुमने हमारे अधूरेपन को पूरा कर दिया। तुझसे होके जुदा मैंने नहीं, इसने इसने आज एक माँ को जन्म दिया और आपको पापा बनाया। ये तो है, तो एक काम करते हैं, माँ बेटे और पापा का एक सेल्फी ले लेते हैं। हाँ, इसका फर्स्ट सेल्फी, चलो पोज। स्माइल स्माइल स्माइल। सब तेरा, तुम्हें उसके साथ रहना होगा, उसका कवच बनकर। इसके परिवार के बहुत से लोग इसके रास्ते में आएंगे, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये बच्चे का नैपी चेंज कर दिया, आप इसको दूध पिला दो, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत जरूरी है। चलो एक मिनट बेटा, पहले इसे माताजी के दर्शन कराते। वो जो मूर्ति मैंने तुझे दी थी ना माताजी की, वो कहाँ है वो मूर्ति? माँ पता नहीं कहाँ रह गई, जंगल से मेरे पास नहीं है। हे माँ, माँ की मूरत खो गई, ये तो अच्छा नहीं हुआ बेटा। माँ बहुत दर्द हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। पर आप परेशान मत होइए, आप ही कहती है ना माँ सिर्फ मूर्ति में नहीं होती, वो इस वक्त भी हम सबके साथ है। एक मिनट बेटा, इस तरह से नहीं, बच्चे को ढककर दूध पिलाना चाहिए, वरना किसी की नजर लग सकती है। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे हैं ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, हाँ मुश्किल सही Thank you.
हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, ये दूध पी रहा है पर जैसे कुछ शरीर से खींच रहा है। ठीक है बेटा, अभी के लिए बस कर देना। हाँ? होता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम दोनों को आदत हो जाएगी। तुम तो बहुत शरारती निकले, माँ की तो जान ही निकाल दी ना। अभी वो बहुत छोटा है मिली, उसका चश्मा अभी तक बनाया ही नहीं है। तू खाली चिराग बोल ले। सॉरी सॉरी हो, इस घर के चिराग, सबकी आंखों के तारे, इस घर के राज दुलारे, चिराग पुरोहित पधारे हैं। ओ जी मैं क्या, इन सब बातों में दिवांग कहाँ है? भाभी वो हॉस्पिटल का बिल और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज करके आ जाएंगे। शनाया वो, शीला वो उसे कहो कि आरती की थाली लेकर आए। जी जी। चलो 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 चलो। क्या अपशुकन? छिपकली की वजह से थाली गिरी है। विद्या वो, उसे लेके अंदर चलो, आरती वगैरह सब अंदर कर ले। जी। आए, ये तो गधे की आवाज है। लो जी, मैंने सुना है जब दुर्योधन पैदा हुआ था ना, तब ऐसे ही गधों की आवाज गूंज रही थी। हाँ सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ? छिपकली भी तो भगवान का बनाया हुआ छोटा सा जीव है, गिर गई तो गिर गई। और भाभी, जानवर कभी भी बोल सकते हैं ना? मुझे लगता है देवी माँ चाहती है कि चिराग सबसे पहले उनके दर्शन करे और फिर उनका स्वागत हो, है ना चिराग? चलो हम सबसे पहले देवी माँ के दर्शन करते हैं। विद्या, बुरा मत मानना, लेकिन सभी महीने तक तो मंदिर नहीं जा सकते और ना ही किचन में, इस घर का रिवाज है। कोई बात नहीं भाभी, मैं नहीं जा सकती लेकिन माँ तो जा सकती है ना। ये लीजिए माँ। क्यों नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि चिराग बेटा सबसे पहले माताजी का आशीर्वाद ले।